हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो पेपर होता है मैथ्स का, उसके अंतर्गत आप लोगों के प्लेन ज्योमेट्री के जो टॉपिक दे रखे हैं और प्लेन ज्योमेट्री के अंतर्गत हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल तक की बातें कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद में एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स, उसके बाद में सर्कल के बारे में जो जो चीज़ें आपके दे रखी है, आर्क वगैरह, कॉर्ड वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का ये लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा लंबा हो, अगर जहाँ तक खींच सकूंगा वहाँ तक खींचने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं समरूपता के साथ में, यानी सिमिलरिटी के साथ में। समरूपता का मतलब अगर हम बेसिक से समझे, देखो अगर सिर्फ मैथ्स को ध्यान में न रखें, यहां हम अगर देखें तो समरूपता इसका मतलब क्या निकलता है कि समान रूप वाले, क्या निकलता है, समान रूप वाले, ये कह सकते हैं हम समरूपता के बारे में। तो बिल्कुल अगर समान रूप वालों की बात की जाए तो उसे ही हम कहते हैं समरूपता। अगर मैथ्स में डेफिनेशन पढ़े तो ऐसी ज्यामितीय आकृतियां, यानी ऐसी ज्योमेट्रिकल जो शेप्स जिनका रूप, जिनका शेप बिल्कुल समान हो, वह समरूप आकृतियां कहलाती है। ठीक है, तो वे आकृतियां जिनका रूप एक जैसा हो, माप एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है, कोई हो सकता है सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो और कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या हो कितनी, 2 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों है कैसे, तो गोल दिखाई देंगे, ऐसे ही दिखाई देंगे दोनों, तो इन्हें हम कहेंगे समरूप। अब त्रिभुज की अगर बात की जाए तो देखिए समरूपता क्या हो जाती है, तो बात करते हैं कि अर्थात दो या दो से अधिक त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान हो एवं उनके कोण आपस में बराबर हो, वे त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। तो बात हो रही है कि दो या दो से अधिक त्रिभुज है, कोई भी मान लीजिए दो या दो से अधिक त्रिभुज है जिनकी भुजाओं का अनुपात देखें तो वो भी समान है, और अगर उनके आपस में संगत कोण देखें तो वे भी क्या है दोस्तों, बराबर है। कैसे, देखिए पी क्यू आर एक्स वाई जेड दो ट्रायंगल दे रखे थे, इनमें क्या होगा कि ये कोण पी कोण एक्स के बराबर हो जाएगा, ये कोण क्यू कोण वाई के बराबर हो जाएगा, ये कोण आर कोण जेड के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, और संगत भुजाएं लेंगे तो ये पी क्यू भुजा अनुपात क्यू आर निकालें तो यहां भी एक्स वाई भुजा वाई जेड लेंगे, जब हम पी आर का अनुपात पी क्यू से निकालेंगे तो एक्स जेड का अनुपात एक्स वाई से लेंगे। कहने का मतलब है कि आप जो कोण या भुजा इस त्रिभुज की ले रहे हो, यानी एक नंबर त्रिभुज की ले रहे हो, वही उसी के संगत कोण और भुजा आप दूसरे त्रिभुज का भी लोगे, अपना ज्यादा दिमाग दूसरा नहीं लगाओगे, इस बात का पूरा क्लियरली आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ गई, तो समरूपता यही है और कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, केवल इतना याद रखिए समान रूप वाले ज्यामितीय आकृतियां जिनका रूप समान हो। बात समझ में आई, तो समरूपता से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम आगे समझेंगे, उससे पहले इसकी जो बेसिक चीज थी वो हमने समझ ली। अब जिस प्रकार से हम सर्वांग क्षमता को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे ये सर्वांग क्षमता थी, वैसे ही समरूप को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल ये बनाओगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये केवल एक दूसरे के समरूप होंगे, आकृतियां जो माप होगा वो आकृतियों का बराबर नहीं होगा, इसलिए यहां बराबर का ये चिन्ह जो है नहीं आता। ठीक है, तो ये देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप, ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, ये समरूपता का चिन्ह है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि समरूपता के क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए ये एक रेखाखंड है और ये दूसरा रेखाखंड है, ये दोनों रेखाखंड माप अलग अलग के हैं, एक है 5 सेंटीमीटर का और दूसरा है 2 सेंटीमीटर का, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और एक दूसरा है जिसकी है 2 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों ही वृत्त एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इसी प्रकार से ये एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 दे रखी है
और यहाँ एक और हाफ दे रखी है, तो भी ये दोनों दिख रहे हैं एक जैसे, दिख रहे हैं ना एक जैसे, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। माप तो हम कब देखेंगे, जब हम सर्वांग क्षमता की बात कर रहे होंगे। अभी मैं आगे आपको समरूप और सर्वांग क्षमता में अंतर क्या है उसके बारे में भी बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग शांति से केवल क्या करिए, वीडियो में जो जो चीजें बताई जा रही है उसे नोट करते हुए चलिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलिए। फिर मैं आपके सामने जब लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो जो आ चुके हैं 13, 14, 15, 16, 17 की जो वैकेंसीज के अलग अलग हैं 12 के, वो जब सॉल्व करवाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि ये छोटे छोटे चीजें हमारे कितनी काम आ रही है। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट है जो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि समरूप आकृतियों के विभिन्न भागों में एक एक ही संगतता होती है या नहीं। तो बिल्कुल समरूप आकृतियां जो होती है उनके विभिन्न भागों में एक एक ही संगतता होती है। इनके कहने का मतलब अर्थात क्या होता है कि समरूप आकृतियों के संगत भाग समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब केवल और केवल इतना ही है कि अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा बच्चों, ये पी क्यू और आर वाला ट्रायंगल एक लिया, और एक हमने यहाँ और ट्रायंगल बनाता हूँ मैं आपके सामने जिसका नाम देता हूँ मैं ए बी और सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल में बात करें तो संगतता भुजा कौन सी हो जाएगी, पी क्यू संगत होगी ए बी के, पी आर संगत होगी ए सी के, और क्यू आर संगत होगी बी सी के। तो ये एक दूसरे के एक एक ही संगतता होगी, यानी कि एक दूसरे से ये जो है वन वन एक एक से ही, मतलब पी क्यू ए बी से, पी आर ए सी से, क्यू आर बी सी से संगत होंगे, या फिर आप कह सकते हो समान अनुपात में होंगे। यानी आप अगर पी क्यू अनुपात ए बी करते हो और पी आर अनुपात ए सी करते हो और क्यू आर अनुपात बी सी करते हो तो ये सभी बराबर ही आएंगे। ये बात इस स्टेटमेंट के माध्यम से मैंने आपके सामने रखी है, और ये स्टेटमेंट कई बार बड़े एग्जामों में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड में भी कई बार पूछ लिया, और यहाँ तक कि ये कॉन्सेप्ट जो है कई बार जेम वगैरह के अगर सिलेबस में भी कई बार त्रिभुज को घुसा देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये काम आ जाती है। बात समझ में आई, डायरेक्टली वहाँ नहीं है ये चीज़ें लेकिन इनडायरेक्टली ये काम आती है, इनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कई बार। बात समझ में आ गई होगी आपके, तो बढ़े आगे। फिर इस पेज का ये कार्यक्रम कंप्लीट हो गया, मैंने आपको जो जो बताया वो आपको मैंने बता दिया है, एक बार रिवाइज भी करवा दूं कि समरूपता क्या होती है। ऐसी ज्यामिति आकृतियां जिनका रूप बिल्कुल एक समान हो, जो रूप है वो एक दूसरे के समान हो, समरूप आकृतियां कहलाएगी। ठीक है, दो या दो से अधिक त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी अगर समान है और उनके कोण आपस में बराबर है तो वे त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि कोई भी त्रिभुज जो है वो समरूप होगा तो उसके गुणधर्म क्या होंगे, उसके कैरेक्टरिस्ट क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप है। तो समरूप त्रिभुज और उनके गुणधर्म, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ये जहां भी ऐसा निशान बना हुआ हो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं, यदि वो कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करे, पहली उनके संगत कोण समान हो। ठीक है, मतलब जो उनके कोण है वो क्या हो, समान हो, कॉरेस्पॉन्डिंग। दूसरी कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती हो, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वे क्या हो, एक दूसरे के समानुपाती हो और कोण एक दूसरे के समान हो, जो मैं पीछे एग्जाम्पल के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने कि नोट डाल के लिखना है ये चीजें, जब सभी जो सर्वांगक्षम त्रिभुज हैं वे समरूप होते हैं, जितने भी त्रिभुज अगर सर्वांगक्षमता को शो कर रहे हैं तो वे समरूप होंगे ही होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे ही होंगे अगर सर्वांगक्षम है तो।
लेकिन अगर वे सर्वांगसम है तो समरूप होंगे, लेकिन वे समरूप है तो वे त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते या हो भी सकते हैं, मतलब नहीं होते हैं या हो सकते हैं, दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो है वो समरूप तो होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया है, इनको हम आगे अभी मैं बता रहा हूं आपको कि सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या है, तब आपको पता चलेगा कि सर्वांगसम त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं और सर्वांगसम होते हुए भी वे समरूप अगर है तो भी सर्वांगसम क्यों नहीं होते। ठीक है, देखिएगा हम पढ़ेंगे अब सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या होता है। पहला पॉइंट है, समरूप आकृतियों में मात्र आकार की समानता होती है, यानी समरूप आकृतियां जो होती है उसमें क्या होता है, केवल और केवल जो उनका आकार है, उनका रूप है, उनका शेप है, वो ही समान होता है, उसमें माप और जो क्षेत्रफल होगा वो असमानता प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है वो दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो उनका माप होगा वो अलग अलग हो गया, और अगर त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग है तो क्षेत्रफल अलग आएगा, आयत का भुजाएं अलग अलग है तो आयत का क्षेत्रफल अलग आ जाएगा। तो समरूप आकृतियों में मात्र आकार की समानता होती है, माप और क्षेत्रफल में असमानता होती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें सर्वांगसम आकृतियों की, तो सर्वांगसम आकृतियों में आकार, माप और क्षेत्रफल तीनों, सर्वांगसम में क्या हो जाएगा, आकार ले लो चाहे आप पहली चीज, माप ले लो चाहे आप दूसरी चीज, और क्षेत्रफल तीसरी चीज, ये तीनों ही क्या होगी दोस्तों, समान होगी या समानता प्रदर्शित करेगी। लेकिन जब बात करते हैं समरूप आकृतियों की, तो उसमें केवल और केवल माप यानी दूसरा और तीसरा यानी क्षेत्रफल ही बराबर होते हैं, उसमें आकार का जो है दोस्तों, माप जो होगा और क्षेत्रफल जो होगा वो अलग होगा, आकार ही केवल समान होगा। तो समरूप में तो क्या हो जाएगा, आकार समान होगा, लेकिन सर्वांगसम में आकार, माप, क्षेत्रफल तीनों ही समान होते हैं। समरूप आकृतियों में संगतता का होना अति आवश्यक है, संगतता यानी कॉरेस्पॉन्डेंसी का होना बहुत जरूरी है। कॉरेस्पॉन्डेंसी का होना क्यों जरूरी है या कैसे होती है वो बताता हूं। तो आपने कोई दो त्रिभुज पीछे जो लिए थे, हमने एबीसी और समरूप पीक्यूआर ले लिया। अब अगर एबीसी समरूप है पीक्यूआर के, तो वो दोस्तों ऐसा होगा कि एबीसी समरूप हो जाएगा पीक्यूआर के और पीक्यूआर समरूप हो जाएगा एबीसी के। यही है समरूप आकृतियों में संगतता, और संगतता का होना समरूप आकृतियों में आवश्यक है, और वो संगतता होती ही है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों समरूप और सर्वांगसमता की बातें जो मैंने आपके सामने रखी और आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि क्या चीज क्या है। अब मैं आपको एक बार सिलेबस से वाकिफ करवा देता हूं कि हमने आज पढ़ लिया है सिमिलर ट्रायंगल, एक मिनट, आज हमने पढ़ लिया है क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा रहा है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सर्कल, आर्क, एंगल सब्सटेंडेड बाय देम, यानी आर्क और जो एंगल सब्सटेंड करती है सर्कल के अंदर उसके बारे में बात करनी है, और टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसके बारे में बात करनी है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन यानी एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत, नया टॉपिक है बिल्कुल, ये त्रिभुज वाले की बातें कंप्लीट हो चुकी है, नोट्स आपने बना लिए होंगे, मैंने आपको बनवाने का बोला ही था, आपको बनाने थे, आपने नहीं बनाए हैं तो आपकी गलती है। ठीक है, टॉपिक डालिए एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। अब दोस्तों
अगर बात की जा रही है कि एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स की बात करनी है हमें, तो प्लेन फिगर्स में आता क्या क्या है? मेन आता है दोस्तों सबसे पहले आपका जो वो आते हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। ये है वो प्लेन फिगर्स जिनके आपको एरियाज के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। अब त्रिभुज में तीनों प्रकार के त्रिभुज आ गए, वो समरूप, वो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। वृत्त के अंदर फिर चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज आ गए वो सब चक्रीय चतुर्भुज वगैरह सब कुछ चीजें आ गई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखो आयत के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, फिर समद्विबाहु है, समबाहु है, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आयत के बारे में, ठीक है। आयत यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में, किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। तो लिखिएगा आप इसके अंदर अब नोट्स बना करके, सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल बना देते हैं, तो रेक्टेंगल यहीं से इससे बन जाएगा, ये लीजिए भाई रेक्टेंगल, एक मिनट, ये रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। और इसके अंदर ही मैं एक विकर्ण को पहले ही बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा, ये एक सेकंड रुकिएगा, ये रख दिया मैंने आपके सामने क्या दोस्तों, बना करके एक आयत, ठीक है। अब आयत की बात हो रही है तो सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं हम, या चलेगा नामकरण छोड़िए, ये जो होती है दोस्तों इसकी लंबाई होती है, ठीक है, और ये आपस में बराबर होती है, नामकरण कर ही देते हैं, देखो ए बी सी डी, ठीक है। तो जो लंबाई है यानी ए बी वो बराबर होती है, ठीक है, और चौड़ाई जो है ये वाली होती है, और ये भी जो है बराबर होती है, यानी हम कह सकते हैं ए डी बराबर होती है बी सी के। अब मैं थ्योरी में लिखवाऊं कि भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो वो आपको पता ही है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो जो आयत है उसका क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों हमारे लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारे सामने कि इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है वो कितनी लंबी है, जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है। तो बाउंड्री की लंबाई हो जाएगी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये भाई लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों है, तो देखो चौड़ाई प्लस चौड़ाई, दो चौड़ाई दो लंबाई, तो 2 कॉमन ले लिया, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, तो तीसरा पॉइंट आपको इसमें जो विकर्ण बनाया है उसकी भी कई बार लंबाई पूछ ली जाती है, तो आप लिखेंगे आयत का विकर्ण यानी हाइपोटेनियस ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। आयत के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, हो सकता है कभी कभी पूछ लेता है, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो आयत के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, देखिए
कि पहला पॉइंट तो लंबाई और चौड़ाई जो है आमने सामने की भुजाएं होती है और वे बराबर होती है। क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत के जो विकर्ण होते हैं कौन से विकर्ण, तो एक तो आपके सामने मैंने बता दिया है बीडी, और दूसरा भी मैं बना ही देता हूँ, ये आप ले लीजिए एसी। तो जो ये आपका देखो, ये तो लंबाई बराबर हो गई, ये चौड़ाई बराबर हो गई, मैं लिख देता हूँ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और तीसरी चीज है आपके एसी बराबर क्या होता है बीडी, यानी कि विकर्ण भी बराबर होता है। तो लंबाई चौड़ाई और विकर्ण सभी बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इनके अंदर जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर, और नेक्स्ट जो आकृति आती है हमारी वो आ जाती है दोस्तों वर्ग। क्या आता है? वर्ग। और वर्ग का नाम क्या होगा? स्क्वायर इंग्लिश में, सॉरी नाम क्या, वर्ग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। अब स्क्वायर का शेप बनाते हैं हम, तो स्क्वायर जो है दोस्तों वो कैसा होता है ये आपको पता ही होगा। देखिए स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो भुजाएं होगी, एक सेकंड में भुजा कम बना देता हूं, ये लीजिए 5.1 सेंटीमीटर की भुजा बना दी है, ठीक है। तो ये है हमारे सामने क्या दोस्तों, क्या है ये हमारा स्क्वायर है, और इसके अंदर एक सेकंड विकर्ण भी बना ही देते हैं, ये लीजिए, ये एक और ये दो, ये दोनों विकर्ण भी हमारे सामने तैयार। इसका भी नामकरण करेंगे ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है, यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। और जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे ही जो पीछे मैं आयत में बताना भूल गया, जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं, चारों के चारों एंगल, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आप इसका क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। जो भी भुजा यानी कि बी सी है सी डी है ये सब बराबर होगी, कोई एक भुजा हम ले लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। दूसरा इसके अगर परिमाप की बात करें, क्या दोस्तों? परिमाप, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है, क्योंकि 4 बार आ रही है। अब एक अलग अलग भुजाएं तो है नहीं कि चारों को अलग अलग जोड़ना पड़े, चारों एक ही समान की भुजाएं हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे कोई भी एक भुजा लेकर के, ठीक है। और तीसरी इसका जो क्षेत्रफल है वो एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, और वह फॉर्मूला है, अगर आपको डायरेक्ट विकर्ण दे रखा है तो आप लिखोगे विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, ये भी वर्ग का जो है दोस्तों क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चौथा इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है दोस्तों आप लोगों के भुजा गुणा रूट 2, ठीक है। विकर्ण क्षेत्र जो वर्ग है उसका विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणा रूट 2। और इसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 तरीके से आप दे सकते हो, भुजा का स्क्वायर या फिर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा डाउट रह जाता है कई बार बच्चों के मन में कि आयत को वर्ग कह सकते हैं क्या, या वर्ग को आयत कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, आप जो है वर्ग को आयत, वर्ग को आयत कह सकते हो, ठीक है। वर्ग जो है वो आयत होता है, हो कह सकते हो, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, वर्ग नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वर्ग जो है उसमें तो क्या है, चारों भुजाएं बराबर है,
तो ये तो एक आयत का स्पेशल केस हो गया कि भाई चारों भुजाएं बराबर हो गई, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आयत में तो क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, अरे सॉरी आयत में तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो फिर वर्ग तो हो ही नहीं सकता। वर्ग के लिए तो चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी है, लेकिन आयत का एक स्पेशल केस ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वह इस प्रकार का ही आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में, आयत और वर्ग के बारे में बात कर ली, इसके फॉर्मूले बता दिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में। तो अब आप लिखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल जो जो होते हैं उसके बारे में। तो त्रिभुज, ठीक है, और ये त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ये बहुत ही पेचीदा इसका जो है काम है, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज या फिर नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एक होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात आती है तो उसका फॉर्मूला एक अलग बना सकते हैं हम। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज का अलग फॉर्मूला बना सकते हैं, और ऐसे ही फिर जो है एक हीरोइन का फॉर्मूला अलग दिया गया इसके क्षेत्रफल का। तो उन सब के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो त्रिभुज होता क्या है, भाई डायग्राम पता होना चाहिए। तो ये रहा त्रिभुज, ठीक है, इसी के अंदर इसकी हाइट बना देता हूँ फटाफट से। ये लीजिए, ये इसकी हाइट हो गई। अब इसका नामकरण कर देता हूँ मैं, तो इसका नामकरण है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें इसका जो क्षेत्रफल होता है नॉर्मल किसी भी, यानी आप कह सकते हो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। यहां पर जो आधार है वो क्या होता है दोस्तों, ये बेस वाली जो कि आपकी है बी सी भुजा, और ऊंचाई यानी कि ये ए डी भुजा। बात समझ में आ गई, बस यही है, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल त्रिभुज की अगर बात कर ले, बोल दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कहते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल त्रिभुज की बात। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज हो तो, चलो स्पेशल केस पहला, अगर समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, उसको लिख लीजिए। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होगी। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ये बना दिया मैंने त्रिभुज। अब इसका नामकरण कर दिया मैंने ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इसकी भुजाएं हो गई। अब इसके अंदर क्या करा, इसकी ऊंचाई का नाम कर दिया और ये कर दी डी। अब ये जो है ए बी भुजा, ये भी बी है और ये बी सी भुजा भी बी है, लेकिन बी जो सॉरी ए सी भुजा भी, लेकिन ये बी सी भुजा जो है वो क्या हो गई, a/2 क्योंकि दो भागों में बट गई है। तो आपको क्या बताया मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए क्या हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर होगी। तो ए बी बराबर हो गया ए सी के, और ए बी और ए सी बराबर है किसके, बी के, और जो बी सी भुजा है वो बराबर हो जाएगी ए के। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और यहाँ जब आप पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगा करके इसका जब निकालने जाओगे तो आपके पास में जो ऊंचाई का फॉर्मूला आ जाएगा वो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या आ जाएगा, देखिए a/4 √4b² - a² ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आई, अभी मैं आगे एक हीरोइन का जो सूत्र लिखवाऊंगा उसमें इसका अलग फॉर्मूला आता है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु समकोण हो जाता, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज हो जाता, तो उसका फॉर्मूला लिख लो। तो देखो लिख लीजिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है
उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के क्या हो जाएगा, एक बटे दो गुना बराबर जो भी भुजाएं है उसका स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि ये ए, ये बी, ये सी, ये बी सी और ए सी भुजा बराबर हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बटे दो, आधार क्या है बी सी, वो भी हो जाएगा ए, और ए बी भी दे दो नाम ए, तो ए का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि जो बराबर भुजा है उसका स्क्वायर बटे दो, ये हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं मैं आपको, समबाहु त्रिभुज का, किसका लिखवा रहा हूं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज हो यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हो, तो तीनों भुजाएं जब जिस भी त्रिभुज की बराबर होगी तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके क्या दोस्तों, रूट तीन बटे चार गुणा भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट तीन बटे चार गुणा भुजा का स्क्वायर, या फिर आप इसका एक और फॉर्मूला कह सकते हो कि ऊंचाई का स्क्वायर, जो भी त्रिभुज की ऊंचाई है उसका स्क्वायर करेंगे और बट्टे में क्या लिख देंगे दोस्तों, रूट तीन। ठीक है, ऊंचाई का स्क्वायर बट्टे रूट तीन, ये हो जाएगा दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बता दिया मैंने, त्रिभुज का फॉर्मूला बता दिया, समद्विबाहु का बता दिया, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का भी बता दिया। अब जो ये एक हीरोइन का फॉर्मूला आता है या हीरोन्स का सूत्र, तो हीरोन्स का सूत्र कहता है, ये भी बता देता हूँ क्योंकि ये टेंथ क्लास में और नाइन्थ क्लास में शायद है, तो उस वजह से फिर जो है आप लोगों को पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो या फिर देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने से बढ़िया इसका डायग्राम बना के समझाई देते। ये बनाया हमने त्रिभुज, इस त्रिभुज का हमने नामकरण कर दिया पी क्यू और ये आर। ठीक है, ये त्रिभुज जो है वो विषमबाहु है, यानी इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तो ए बी सी। इसका जो परिमाप होगा उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो त्रिभुज का परिमाप आपको पता ही है, मैंने बताया था परिमाप क्या होता है, उसकी जो बाउंड्री है उनका योग। तो बाउंड्री क्या है, ए बी सी, तो जोड़ दीजिए ए बी और सी। ठीक है, एक मिनट, ये एस नहीं है, से केवल ये तो परिमाप है, एस तो अर्ध परिमाप होगा। अब अगर अर्ध परिमाप हमें निकालना है, क्या अर्ध परिमाप जो एस से रिप्रेजेंट होगा, और वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। परिमाप है ए बी सी, अर्ध परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। हीरोन्स का जो फॉर्मूला है उसमें अर्ध परिमाप यूज होता है, इसलिए मैंने आपको ये अर्ध परिमाप का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसके अनुसार क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब अर्ध परिमाप है आपके पास में, तो हीरोन्स कहता है कि इसका क्षेत्रफल होगा एस यानी अर्ध परिमाप इंटू अर्ध परिमाप माइनस कोई एक भुजा, ऐसे ही अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा गुणा अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। ये हो जाएगा कब, जब दोस्तों आपका हीरोन्स के अनुसार क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। क्षेत्रफल हमेशा आंसर से ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तभी वैलिड है, ये तभी हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज जब हमारे पास तीनों भुजाएं हो, तो वहां स्पेशली फिर कभी कभी ये कह देता है कि हीरोन्स के फॉर्मूले से ही करिए। अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो और अगर आपको हीरोन्स के फॉर्मूले से पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, तो आप लिखिए, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्या हो जाएगा, देखिए एस इंटू एस माइनस ए, और मान लो बी और सी बराबर कर दें तो एस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के सामने, क्या ये हो जाएगा, एस गुणा
एस माइनस ए, और ये तो अंडर रूट में रहेगा और बार सॉरी यहाँ आ जाएगा एस माइनस बी, क्योंकि जिसका स्क्वायर है वो बार आ जाएगा, बस ये थी और कुछ नहीं है। हीरोन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, तीनों भुजा बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो दो बार आएंगे, एक अंदर रहना ही रहना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है, ये देखिएगा आप। अरे जाओ, त्रिभुज तो बेचारा वहां चला गया। तो देखिए मैं रिवाइज करवा देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल दोस्तों, तो हो जाएगा ए बटे चार गुणा अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि उसमें दो भुजाएं बराबर हो जाएगी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो किसी भी भुजा जो उसकी दो बराबर भुजाएं दे रखी होगी उनका स्क्वायर बटे दो। समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल रूट तीन बटे चार गुणा भुजा का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला दे सकते हैं ऊंचाई का स्क्वायर बटे रूट तीन। हीरोन्स का सूत्र क्या कहता है दोस्तों, कि आपके पास में अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो आप अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं का जोड़ करके दो का भाग देंगे, अर्ध परिमाप आएगा। फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर आपके, देखो क्षेत्रफल ये तो हो ही गया, अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए और हीरोन्स के फॉर्मूले से पूछ ले तो आप क्या करोगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस बी बाहर आ जाएगा तो एस माइनस बी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो अब हमने किस किस की बात कर ली, आयत की बात कर ली, वर्ग की बात कर ली, त्रिभुज की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज की, उसके बाद में जब व्रत स्टार्ट करेंगे तो व्रत को एक साथ ही लपेट लेंगे, क्योंकि बाद में व्रत वैसे भी पढ़ना ही है। तो अब ये कुछ विशेष आकृतियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए उनके क्षेत्रफल के बारे में। जैसे कि एक आती है दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा समषट्भुज या समषट्भुज, ठीक है। तो समषट्भुज जो होता है जिसे कहते हैं सेक्टाइल, इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सेक्टाइल, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसमें छह भुजाएं होती है, कोई बड़ा विशेष आकार नहीं है कोई, ठीक है। ये हो गया, ये होता है दोस्तों हमारा सेक्टाइल, ठीक है। और ये ऐसे बटा हुआ होता है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये होता है समषट्भुज का। जो अगर क्षेत्रफल पूछे आपसे तो इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों, मैं डायरेक्ट अब केवल फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, और इसका क्षेत्रफल हो जाता है तीन रूट तीन बटे दो गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, तीन रूट तीन बटे दो भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगर आप लोगों से समांतर चतुर्भुज का पूछे, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपके आधार गुणा ऊंचाई। अब ये समांतर चतुर्भुज होता क्या है वो मैं आपके सामने बना देता हूं, देख लीजिएगा आप। ये इस प्रकार का दिखाई देता है कुछ, ठीक है, ये देखिए ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होते, इसलिए ये आयत नहीं है। तो आयत के ही कुछ ये स्पेशल केस है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये कैसा दिखता है वो भी बता दिया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को आयत तो नहीं कह सकते, लेकिन आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर तो कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस है कि अगर 90 डिग्री होगा तो वो आयत कहलाएगा। बात समझ में आ गई, इसमें कोई ये बड़ी बातें नहीं है, वैसे भी इनसे आपके कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को पूछ ले समचतुर्भुज का एरिया,
किसका दोस्तों? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम बात करते हैं सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों, ये क्या है? विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, और इनटू समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? समकोण पर क्षेत्रविभाजित करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो सम चतुर्भुज में क्या होगा कि जो आमने सामने की भुजाएं होगी वो तो बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, लेकिन बात हो जाए सम चतुर्भुज की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। इसीलिए इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये इसके विकर्ण बन जाएंगे। तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, आपके सामने मैंने बता दिया है। अब अगर बात करें हम आगे, एक और चतुर्भुज होता है जो कि फेमस है और जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज जो होता है वो दिखता कैसा है? तो वो इस प्रकार की एक आकृति होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक भुजा जो है वो 90 डिग्री के ऊपर होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर होती है, ये देखो ए बी सी डी, तो ए बी समांतर है किसके? डी सी डी के। तो आप यहां लिखे होंगे समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या फिर आप ये कह सकते हो कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए डी। तो हम अगर इस फॉर्मूला डायग्राम को देख कर डेराइव करें तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी गुणा ए डी। बात समझ में आई? तो ये है समलंब चतुर्भुज जिसका आपको मैंने बता दिया है कि एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब अगर नॉर्मल चतुर्भुज दे रखा हो, कोई भी चतुर्भुज, चार भुजा की कोई भी आकृति दे दी गई हो, ठीक है, उसका कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए विधि है एक्चुअली, तो मैं बता देता हूँ। देखो चतुर्भुज है, मान लो ये इस प्रकार से कोई आकृति आपको दे दी है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा और मैं दूर कर देता हूँ तो और अच्छा लगेगा। ये इस प्रकार से मान लीजिए ऐसी कोई चार आकृति, ऐसी आकृति की दे दी है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो इसको आप दो भाग में बांट दीजिए ऐसे, तो आपके सामने ए बी सी डी, तो यहाँ दो त्रिभुज बने हैं आपके सामने, देख लो ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी। तो इन दोनों का क्या करोगे आप, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालोगे और जोड़ दोगे, या फिर आप क्या करोगे दोस्तों, इसी डायग्राम में एक जो है आप परपेंडिकुलर डालेंगे इस पॉइंट से इसके ऊपर, और एक डालेंगे परपेंडिकुलर इसके ऊपर। फिर क्या करेंगे, वही 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डालेंगे लंबों का योग, क्योंकि ये क्या बन जाएंगे फिर, एक दो अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बन जाएंगे और फिर दोनों वही बन जाएगी बात है। ठीक है, या समलंब चतुर्भुज बनकर भी आप कर सकते हो। तो ये अलग अलग, इसको चतुर्भुज को एक्चुअली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेथड यूज करना पड़ेगा। हीरोन्स का फॉर्मूला वाला कर लिए, इसमें समलंब चतुर्भुज बनाकर कर लीजिए, या आयत बनाकर कर लीजिए, मतलब जो एक्स्ट्रा भुजा है उसको अलग करिए। इसमें देखो क्या कर सकते हैं, कैसे बनेगा आयत, तो ये यहां से ऐसे अलग कर दीजिए और यहाँ से ये अलग कर दीजिए, ये बन के आयत का अलग निकाल लो, और ये दोनों जो साइड के त्रिभुज है इनका अलग निकाल लो, तो भी निकल जाएगा। मतलब चतुर्भुज को आपको मेथड के माध्यम से होगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आज हमने बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में बात कर ली है किस किस के बारे में, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं वो सब बात कर ली, उसके बाद एरिया ऑफ प्लेन फिगर जिसमें आयत वर्ग त्रिभुज चतुर्भुज सबकी बातें हो गई क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो वृत्त के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, वृत्त के बारे में। अब आप टॉपिक डालिएगा वृत्त, यानी हम कह सकते हैं वृत्त इंग्लिश में कहेंगे सर्कल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर्कल को सबसे पहले आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि सर्कल होता क्या है। ये है सर्कल, क्या है सर्कल,
अब सर्कल के बारे में आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ एक बार वापस से आपको सिलेबस, ताकि आपको पता चले कि हमें पढ़ना क्या क्या है सर्कल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट के रखा है आपको कि सर्कल में आप क्या क्या पढ़ के आइए। तो बोले सर्कल पढ़ लो, आर्क पढ़ लो उसकी, और एंगल सब्सटेंडेड बाय जो आर्क होते हैं वो पढ़ लो, और टेंजेंट टू अ सर्कल पढ़ लो। मतलब आपको सर्कल का एरिया वगैरह सब पता होना चाहिए। फिर जो इसके आर्क होती है उसके द्वारा जो बनाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर क्या कोण बनाए जाते हैं, उसके बारे में आप पढ़ के आइए। आर्क के बारे में यानी परिधि वगैरह जो है उन सब के बारे में आपको पढ़कर जाना है। तो हम इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लघु वृत्तखंड क्या होते हैं, तिर्यक खंड क्या होता है, ये आर्क क्या है, कॉर्ड क्या है, इन सभी के बारे में, इसके अंदर जो चाप बनता है उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, और फिर जो है इसमें टेंजेंट जो होती है उसके द्वारा कौन कौन से एंगल बनाए जाते हैं, टेंजेंट क्या होती है, ये पूरी डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद में ये प्लेन ज्योमेट्री आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।